नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, कहां पे आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन करते वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करेंगे गुजारिश कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा और सर्च बार में टाइप कर देना होगा बिहार बिल्डिंग और उसके बाद सर्च पे क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करना होगा। फर्स्ट में जो लिंक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बिहार बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप डेस्कटॉप साइड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा ऑफिशियल पेज। यहाँ पे आपको साइड में दाहिने साइड में आपको मिलेगा नए निबंधन के लिए अनुरोध, क्लिक करना है। आपके सामने इसका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड होने के बाद ओपन कर लेना है। सामने इसका ऑफिशियल पीडीएफ ओपन होगा, यहाँ पे जूम करना है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए निर्माण कारगरों का पंजीकरण। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले जो भी यहाँ पे इसका लाभ ले रहे हैं यानी लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे पंजीकरण कराना होगा। वैसे निर्माण कारगर जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए निबंधन शुल्क आपको 20 रुपये तथा मासिक अंशदान 50 पैसे प्रति माह के दर से एक मुश्त यानी 5 वर्षों के लिए, निबंधन के समय आपको 30 रुपये अर्थात निबंधन और अंशदान मिलके आपको 50 रुपये देना होगा। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको बताया गया है डॉक्यूमेंट्स और कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यदि जो भी यहाँ पे सदस्य बनना चाहते हैं उनको ससमय पे अंशदान जमा करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अंशदान आपको 50 पैसे प्रति माह के लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए बताया गया है कि उनके पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए, बैंक खाता, उम्र प्रमाण पत्र या आधार कार्ड हो या मतदाता पहचान पत्र हो या ESI द्वारा या स्कूल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र हो, कोई भी यहाँ पे आपको पास अगर है डॉक्यूमेंट्स तो आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं। और यहाँ पे नियोजन द्वारा जो यहाँ पे कम से कम आप 30 दिन कहीं भी काम किए होंगे किसी भी संस्थान में, तो वहाँ से आपको किसी भी संस्थान में आप 90 दिन काम किए हो तो उसका प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और फोटो जो होगा फोटोग्राफ को नियोजक द्वारा जो कार्य का प्रमाण पत्र हो वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा, वो आपको लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दे कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी आपको डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। और इसको आपको लेके आपको जो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में जो चल रहे हैं निर्माण स्थलों पर पंचायत के अपने ग्राम रोजगार सेवक या आप चाहे तो अपने पंचायत सेवक या जिसको बोलते हैं ग्राम सेवक। जी फ्रेंड्स, ग्राम सेवक उनके पास जाके आप अपना जो सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स यानी फोटोकॉपी और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दीजिएगा। जमा करने के बाद यहाँ पे आपको जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अब आपको मैंने बता दिया, अब उसके लिए फॉर्म आपको कहाँ से मिला, तो इसके लिए आपको फिर से आ जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट लेटर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर BOCW का, यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लेना है। उस बाद यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अटैच करना है इस फॉर्म के साथ यानी फिल करके यहाँ पे पूरा आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और अपने पंचायत रोजगार सेवक जो होते हैं आपके ब्लॉक लेवल पे
ब्लॉक में जाइएगा तो वहाँ पे मिल जाएंगे, या आपके ग्राम पंचायत में भी आपको मिल जाएंगे, या जो जो यहाँ पे होते हैं ग्राम सेवक उनके पास जाइएगा, वो यहाँ पे उनके पास आवेदन के लिए यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको आप जमा कर दीजिएगा, और उसके बाद आपका पंजीकरण हो जाएगा। पंजीकरण होने के बाद आपको जो भी यहाँ पे लाभ होगा वो यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है फॉर्म फिलअप करने के बाद, और यहाँ पे आपके जो भी ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत के जो रोजगार सेवक होंगे यानी जिनको आप ग्राम सेवक भी बोलते हैं उनके पास जाना है, जमा करना है, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कीजिएगा, और आपको वो आपको जो भी यहाँ पे एक डेट देंगे उस डेट पे आपको जाना है, और अपना लेबर कार्ड आप बनवा सकते हैं और वो आपको दे देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपना लेबर कार्ड बनवा सकते हैं जो यहाँ पे स्टेप मैं आपको बताया हुआ हूँ। तो अगर आपको लगता है इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इससे संबंधित और कोई जानकारी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आपको वहां पे मिल जाएगा देखने के लिए, वहां पे आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।